हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि मटन को और कीमा जब भी हम स्टोर करना होता है फ्रिज में, तो हम इसे कैसे स्टोर करेंगे। और बकरीद भी आ रही है, तो हम इसमें ज़रूर देखेंगे। हमें बहुत सा मटन और कीमा या पाया कलेजी जो भी होती है हमें स्टोर करना होता है, ताकि वो महीने तक ख़राब ना होता। इस तरीके से हम सीखेंगे कि हमें इसे मटन को फ्रिज में कैसे स्टोर करना है। तो यहाँ पर हमने 1 किलो कीमा ले लिया है, इसको हम स्टोर करेंगे। और यहाँ पर 2 किलो हमने मटन ले लिया है, मिक्स मटन हमने लिया है। आप चाहे तो अपने पसंद की बोटियाँ या जो भी आपको पीसेस चाहिए वो अलग अलग आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जिप लॉक बैग है, तो इस तरीके के बैग में भी आप मटन को स्टोर कर सकते हैं। और आप चाहे तो पॉलीथीन बैग जो होता है इस तरीके का, वो भी इसमें भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि वो आर पार दिखाई दे कि आपने क्या स्टोर किया है और कितना स्टोर किया है। तो चलिए हम इसको स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जिप लॉक बैग है, तो यहाँ पर 1 किलो कीमा है, तो मैं इसको आधा आधा कर लेती हूँ, क्योंकि हमें जितना बनाना होगा उतना ही हम इस अलग अलग पॉलीथीन बैग में या जिप लॉक बैग में हम स्टोर करेंगे, ताकि जब भी हम इसको डिफ्रोस्ट करें तो अच्छी तरीके से ये निकल जाए, और जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही हम फ्रीज़र से निकाल सकें। पूरा मटन या जो भी हमने स्टोर किया वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जिप लॉक बैग में हम कीमा को स्टोर करेंगे। इसे अच्छी तरीके से फ्लैट इसको हम प्रेस कर लेंगे, और इसमें की सारी एयर जो होती है, हवा जो होती है, उसको हम अच्छी तरीके से निकाल लेंगे और इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो एक बैग जो है, एक पाउच हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से हम दूसरे पाउच में भी कीमा को स्टोर करेंगे। और हमने यहाँ पर आधा आधा किलो तक कीमा को स्टोर किया है। आप चाहें तो और छोटे बैग ले सकते हैं, या फिर उसमें से और भी पाव पाव किलो के भी हम 250 ग्राम के भी पाउच बना सकते हैं। ये देखिए, इसको भी इस तरीके से हम फ्लैट कर लेंगे, और इसकी सारी एयर हम निकाल लेंगे, ताकि इसमें एयर ना हो। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको भी तैयार कर लिया है, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और अब बारी आती है मटन की। तो यहाँ पर हमने 2 किलो मटन लिया है, तो इस मटन के हम 4 हिस्से करेंगे, क्योंकि जब भी मैं मटन बनाती हूँ तो आधा किलो तक ही बनाती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो 2 पाउच मैं ले लूँगी, 1 किलो तक की ज़रूरत होगी तो, लेकिन मैं आधा आधा किलो तक का इसमें बनाकर मैं पाउच रखने वाली हूँ। तो 4 हिस्से हम कर लेंगे, अपनी मनपसंद पीसेस को हम 4 हिस्से में कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसको 4 हिस्सा कर लिया है। और एक पॉलीथीन बैग लेंगे, आप इसको पॉलीथीन बैग में भी स्टोर कर सकते हैं, और चाहे तो जिप लॉक बैग में भी इसको स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके के हम पॉलीथीन बैग के हम यहाँ पर पाउच बना लेंगे। 4 पाउच हम यहाँ पर तैयार करने वाले हैं। तो ये देखिए, 4 पाउच हमने यहाँ पर तैयार कर लिए, और पॉलीथीन बैग के इस तरीके से इसमें नोट लगाएं, यानी कि गांठ इस तरीके से लगाएं, ताकि आसानी से खुल सके। इस तरीके से खोलने में आसानी हो, तो इस तरीके से हम इसको नोट लगा लेंगे। तो अब बारी आती है इसमें ऑयल लगाने की। तो थोड़ा सा हाथों पर तेल ले लेंगे, और इसको जितनी भी पॉलीथीन बैग है या जो भी हमने पैकेज बनाया है, पैकेट वगैरह जो बनाए हैं, उस पर हम लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको फ्रीज़र में रखें तो ये जब आपस में चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। तो इस तरीके से आप भी मटन को ज़रूर स्टोर करें। तो इस पर भी हम लगा लेते हैं हल्का सा, और चलिए हम इसको फ्रिज में रख देते हैं अच्छी तरीके से स्टोर करके। तो ये देखिए, फ्रिज में हमने कीमा इस तरीके से रखा हुआ है फ्लैट करके बिल्कुल, और यहाँ पर हमने पाउच रखे हुए मटन के। तो इस तरीके से हम इसको स्टोर करेंगे। तो आप भी इसी तरीके से मटन कलेजी पाया स्टोर करें। तो अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये टिप्स आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी।